आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ़ी 2015 की तरफ से, क्योंकि फेस्टिवल वाले बहुत बिजी हैं अपना फेस्टिवल चलाने में, तो हमने कहा हम उनकी तरफ से आपका इस्तकबाल करते हैं। क्वाक वर्कशॉप्स जो यहाँ लिखा है, पिछले साल भी हम लोग यहाँ थे तो कुछ लोगों को बहुत कष्ट हो गया था कि हम लोग के बैनर्स, हमारे स्टैंडीज बहुत चोरी हुए। इस बार भी हो रहे हैं आपके मेन वेन्यू से, काफ़ी लोगों को कष्ट है। तो क्वाक वर्कशॉप्स क्यों हम लोग करते हैं और हम लोग कौन हैं, कविता ने संक्षेप में आपको बताया था। उसको और संक्षेप में, क्योंकि मेरा गला बहुत साथ नहीं दे रहा है, मैं आपको फिर बताता हूँ। हम लोग किसान हैं, हम दोनों लोग किसान हैं, बीज डालने का काम करते हैं। पेंटर हैं, लाइट से भी पेंट करते हैं, हमारा औजार ये है। बातों के, शब्दों के जाल बुनते हैं, पुल बांधते हैं, हमारा औजार हमारी जेब में। ये सब करते करते एक बार ये लगता है कि बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलना चाहिए। और जितने लोगों के पास बैकग्राउंड म्यूजिक जेब में है वो ज़रूर चलाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उतने मोबाइल्स को हम लोग ऑक्शन करेंगे, और ये जो गरीब लोगों की कहानी हम कहते हैं, इनको बाकी दुनिया गरीब समझती है, और वो लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत गरीब हो। उनके गांव में हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कहते हैं ओ हो आप बेचारे कितने दुबले पतले से लगते हो यार, आप लोग को खाने को नहीं मिलता ना शहर में, अच्छा हवा भी बहुत गंदी है, पानी भी बहुत प्रदूषित है, तो आपका तो बहुत बुरा हाल है। वो लोग बहुत अमीर हैं, बहुत खुश हैं, सुखी हैं, सानंद हैं। वो लोग जीवन का मायना जानते हैं, हम जीवन के मायने भूल गए हैं। उनका जीवन अभी भी बहुआयामी है, हम लोग का मोनोक्रोमैटिक है। हमको क्या दिखता है, इंजॉय करना है, बच्चों को मॉल ले चलते हैं, क्या करेंगे बर्थडे है, डोमिनोज का पिज्ज़ा खाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन का चिकन खाएंगे, चिकन ही नहीं है साला वो तो। केंटकी फ्राइड चिकन हैड टू ड्रॉप चिकन आउट ऑफ KFC बिकॉज दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट अ चिकन, इट्स अ ब्लडी इडियोटिक कॉन्ट्रैप्शन। पता नहीं क्या बनाया उन्होंने यार, वो उसके पंख नहीं है, उसके फेदर्स नहीं है, चोंच नहीं है, पंजा नहीं है, ताकि वो एक दूसरे को हार्म ना करे। ट्यूब से उसको आप खाना खिलाते हैं, कहते हैं कि ये केंटकी फ्राइड चिकन है। केस हो गया अमेरिका में बहुत बड़ा, दे हैड टू ड्रॉप चिकन आउट ऑफ KFC। तो वो जो गांव में लोग हैं जिनकी हम लोग कहानियां कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि सही में जो जीवन है वो धरती से जुड़ा हुआ है, सही में जो जीवन है वो प्रकृति की गोद में हम लोग हैं। और आप लोग जो हैं वो इतना दूर चले गए हैं अपनी मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ में और शिनकैंसन में जो आने वाली है हमारे देश में। शिनकैंसन जिस जिसको नहीं पता है, जो कल नहीं थे, बुलेट ट्रेन को कहते हैं, जो शायद हमारे देश में भी जाने वाली है गांव तक। जिन गांव में पानी नहीं है अभी भी पीने का, वहाँ बुलेट ट्रेन शायद जाने वाली है। तो उन कहानियों को कहने के लिए हमें ना सरकार सपोर्ट करेगी, ऑब्वियसली क्यों करेगी, ना कोई कॉरपोरेशन सपोर्ट करेगा, क्यों करना चाहिए उसको। और सिविल सोसाइटी हमारे देश में आजकल बहुत एक्टिव है, फेसबुक पे बहुत सोचते हैं, FTII के बारे में भी सोचते हैं और नदियों के बारे में भी सोचते हैं, पानी का प्रदूषण है उसके बारे में बहुत सोचते हैं फेसबुक पे। उनसे कहो कि हम 30 आदिवासी किसानों को लाके, और हमारी ये जो फिल्म अभी इफ़ी में आपने देखी है, आज सुबह भी देखी है और शायद दिन पहले भी, इसको इस बरस नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट एनवायरनमेंट फिल्म का। जब इसका दिल्ली में अभी प्रदर्शन हुआ, वर्ल्ड प्रीमियर था इसका वातावरण फिल्म फेस्टिवल में। अच्छा, हम बाहर के मुल्कों को अपना वर्ल्ड प्रीमियर जनरली नहीं देते हैं। कॉटन फॉर माई श्राउड का मुंबई में श्याम बेनेगल जी ने वर्ल्ड प्रीमियर किया था, और जो इस साल का नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है उसका वर्ल्ड प्रीमियर वातावरण फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में किया हम लोग ने।
तो उस वक्त हमने कहा कि भाई सिर्फ फिल्म दिखाने से एक आयाम कायम होता है कम्युनिकेशन का, लेकिन अगर हम उन किसानों को, उन आदिवासियों को आपके समक्ष, आपके रूबरू लाकर खड़ा कर दें और वो अपना खान पान, अपनी वेशभूषा के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने फलसफे के साथ आप तक आएं, अपना खाना साथ लेके आएं, कुक भी करें, आपको डिस्प्ले भी करें, बांटें भी, बेचें भी, तो आप लोग चख सकते हैं, खुशबू ले सकते हैं, उनसे रेसिपी शेयर कर सकते हैं। हमने बड़ी कोशिश की, सिविल सोसाइटी जुड़े, सपोर्ट मिले, फेसबुक पे भी नहीं आए। हमने कहा कि क्राउड फंडिंग की अपील की हम लोग ने, क्राउड फंडिंग साइट पे गए, सब कुछ किया था, माशाल्लाह 3 लाख का हम लोग का उस पर टारगेट था, सिर्फ 85,000 के आसपास इकट्ठा हुआ, वो भी मेरी माँ ने 10,000 दिया, मेरी बहन ने कभी 2,000 दिया, कविता ने अपनी माँ से 10,000 लिया, ऐसे ऐसे करके तो हम 85,000 के आसपास पहुँचे। तो ये वर्कशॉप्स जो हैं वो हमारी इन कहानियों को कहने का ज़रिया हैं। बेशक किसी के दिल पे सांप लौटता हो कि भाई ये लोग क्या करते हैं, वो लौटे, मुझे कोई ख़ास उससे दिक्कत नहीं है। 4 स्टैंडी और उतार लें आज, कोई बात नहीं, हमारे पास 8 और हैं, कल फिर से नए खड़े होंगे। कमिंग बैक टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल फिल्म मेकिंग, कल हम लोग ने पहला आयाम तय किया, पहला चरण तय किया, जिसमें कुछ लोग अभी, कल कौन कौन नहीं था कृपया हाथ खड़ा करें। ये तो गड़बड़ है। क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि 3 चैप्टर्स में 3 एक्ट का प्ले जो होता है वो 3 एक्ट प्ले की तरह से, कल पहला एक्ट था, पेडिस्टल था। फोटोग्राफी आपकी फिल्म मेकिंग की बुनियाद है, बेशक आप फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर हैं कि नहीं हैं, एज ए डायरेक्टर आपको सोच की उड़ान, जो परवाज मिलता है, जब तक आप फोटोग्राफी की बेसिक्स नहीं समझते हैं, आपकी कहानियों में विजुअल एलिमेंट स्ट्रांग नहीं होता है। जब तक आप उसकी नुएंसेस कम समझते हैं, आप अपने सिनेमेटोग्राफर का सिर्फ आधा इस्तेमाल करते हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप उसकी शब्दावली से अनभिज्ञ हैं, आप उसकी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से रूबरू नहीं हैं। सो यू कैन नॉट गाइड हिम, यू कैन नॉट कोक्स हिम, यू कैन नॉट केजोल हिम, यू कैन नॉट पुश हिम मच। सो यस्टरडे व्हाट वी कवर्ड वाज हाउ डू वी मैनिपुलेट लाइट, हाउ डू वी प्ले विथ लाइट। एक सज्जन सामने बैठे हुए थे, वो आज है कि नहीं है, जिन्होंने मैनिपुलेट का इस्तेमाल किया था वर्ड, मैंने कहा बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है इसको, व्हाई डोंट वी से वी प्ले विद लाइट, वी अंडरस्टैंड द टेक्सचर्स ऑफ लाइट, वी अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट मेशेस ऑफ लाइट्स, लाइट शैडो डैपल्ड इफेक्ट। देन वी वेंट इनटू सम डिटेल अबाउट कलर टेम्परेचर्स, वी वेंट इनटू सम डिटेल अबाउट व्हाट आर द वेज वी हार्नेस लाइट and the process of photography, which is photos jama graphos Greek, which means how do you paint with light, that is the process of photography, which is at the base of all cinematography. Oh yaar, aapke FD wale sochenge itna क्रोकी क्रोकी वॉइस वाले लोगों को क्यों खड़ा कर रखा है, आपने पिछले साल पूरा तो रिकॉर्ड किया था, आज मत करो। नहीं मान रहे, हेलो मान जाओ यार, अच्छा इफी के लिए ठीक है यार, इफी वाले यार हाई डेफिनेशन प्रोजेक्शन तो देते नहीं है वर्कशॉप के लिए, मैं हाँ करो इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब इतने कमाल के लोग हैं यार, देश का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, हद हो गई, इसको कान ऑफ इंडिया आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं टेक्निकल काम पे, राइट। एक तो साथ साथ पैरेलल वर्कशॉप कल रख दी सिनेमेटोग्राफी की संथिल कुमार की, बाहुबली वाले लोग, यहाँ हम लोग दुबले पतले गरीब लोग दाढ़ी वाले, राइट, हम आपको बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप साला अपने मोबाइल पे भी फिल्म बना सकते हो और अच्छे कैमरों पे तो बना ही सकते हो। उसमें आपने संथिल कुमार को खड़ा कर दिया हमारे मुकाबले, ठीक है, हमें आप इज्जत से नवाजा आपने कि भाई ठीक है, बराबरी की टक्कर है, हमने उस वक्त उनको रख दिया वहाँ पर,
ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि आपने इज्जत दी, हम इज्जत बख्शी हमें, लेकिन कल राजीव जी का सेशन है एडिटिंग और ग्रेडिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट, तो कल वहाँ पर एडिटिंग का मास्टर क्लास रख दिया है। मैंने कहा यार ये तो सही है, हमारे देश में कंपटीशन का इतना आजकल शौक है लोगों को कि वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं, बाहर वालों से तो बाद में लड़ेंगे, हम लोग पहले अपने खुद ही चार चार हाथ हो जाएं, दो दो भी नहीं, चार चार हाथ हो जाएं। तो लाइट को काबू में रखने के लिए उसकी नस नस से वाकिफ कैमरे की भी होना पड़ेगा, और हर रेशे से, हर खूबसूरत किरण से क्या आप कर सकते हैं, और वो जब मेरे चेहरे पे बाउंस करके वापस आपके कैमरे पे जाती है, आपके सेंसर से कुछ बात करती है, कुछ संवाद कायम करती है, और मेरा चेहरा जो है इत्तेफाकन अमरीकी गोरी चमड़ी नहीं है, इन मोहतरमा का भी नहीं है जिनको हमने आज बुलाया है यहाँ पर, बड़े इज्जत से बिठाएंगे, हम लोगों के लिए ये सेंसर्स बने नहीं हैं, सेंसर्स बनते हैं अमरीकी गोरी चमड़ी के लिए। तो जब हम लोग इन सेंसर्स के सामने जाके खड़े हो जाते हैं तो वो कभी कभी इत्तेफाक से ठीक फोटो देता है, अदरवाइज हमारी कलर स्किन का, कलर टोन का सत्यानाश, वाट लगा देता है, मुंबई वाली भाषा में बिल्कुल वाट लगा देता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट वॉट इज गुड एक्सपोजर, हाउ टू प्ले विथ लाइट, हाउ टू लाइट अप अ सिचुएशन, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड विच इज a step up from yesterday's conversation, how a camera comes and interfaces with the light that is incident upon your subject. Kal hum Aishwarya Rai ki baat kar rahe the ki Aishwarya Rai ko aap bitha dein, unke baalon ki laton mein bahut sundar piche se roshni aa rahi hai, rim lighting bhi de rahi hai, aur uske baad jo hai samne shakl pe bilkul roshni nahi hai, chokher wali ka aap set samajh lijiye, उस हवेली में बैठी हुई है जहाँ पीछे से रोशनी है, तो आपको सामने से कुछ ना कुछ फिल का तो काम करना पड़ेगा, वो रिफ्लेक्शन कहाँ गया हमारा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, आप वाइट थर्मोकोल दीजिए, वाइट लंबी चौड़ी शीट दीजिए या रिफ्लेक्टर दीजिए, समथिंग हैज़ टू बी डन, एंड यू ऑल्सो नीड टू गो विद अ कैमरा दैट हैज़ डायनेमिक रेंज टू कैप्चर दैट स्ट्रॉन्ग लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द रियर, lighting her up with a golden glow, her hair and everything, but it is also lighting me up in from the front, so that aankh mein kuch chamak hai, kuch aankh bhi, jaise ab Shukla ji kitne intently mujhe ghoor rahe hain, ye pichli workshop mein bhi Goa mein the, aap bhi the, kuch log aur hain yahan jo pichle saal bhi the, mujhe bahut khushi hoti hai jab log wapas aate hain, iska matlab मैंने उस वक्त सब कुछ नहीं बता दिया ये उनको एतबार है, कुछ इस बार फिर से बताऊंगा जो शायद ले जाने लायक हो। शुक्ला जी तो दिल्ली में भी वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं दो बार, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इवन इफ यू हैव अ गुड लाइट सेंसिटिव कैमरा विद यू, बट दैट स्ट्रॉन्ग लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम द रियर एंड नो लाइट इन द फ्रंट, इवन इफ शी इज ऐश्वर्या हु इज वेरी फेयर, You are not being fair to yourself and your image. You are not being fair to your camera because you are being lazy and you don't understand what is the dynamic range of your sensor. Aapka sensor mana ki Senthil Kumar ke barabari ka sensor hai. Lekin mia kuch roshni de do yaar, kuch to unko thoda bahut khane ke liye unko bhi de do. पीछे से रोशनी आ रही है सूर्य देव की, आप सामने से ठेंगा दिखा रहे हैं, उसको कुछ देने को तैयार नहीं है, तो इवन ऐश्वर्या राय विल नॉट बी शाइनिंग लाइक इंडिया इज शाइनिंग, इट विल नॉट लुक सो गुड इवन इफ यू हैव द मोस्ट लाइट सेंसिटिव कैमरा इन द वर्ल्ड इन योर हैंड्स। सो कमिंग गोइंग अहेड विद एक्सपोजर, कॉम्पोजिशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट, into the domain of sensors, into the domain of processing, into the domain of codecs, into the domain of color spaces, into the domain of bit rates, into the domain of how many mbits of data a camera system is working with. Somebody asked me, aapne pucha, Prashant ne pucha ki bhai ye aap to Canon wale the,
कैनन 5D मार्क 2 मार्क 3 बेच दिया सब. मैंने कहा नहीं नहीं वो मेरे म्यूजियम में रखा हुआ है अभी भी. तो कहते हैं पूरे तरह से सोनी पे आ गए. मैंने कहा हाँ वो 17 Mbps देता था, मुझको ये 50 देता है. वो तो BBC भी मना कर देता था, अब तो दूरदर्शन भी मना कर देता है कि कैनन पे आप शूट करेंगे 17 Mbps पे तो हमको दिक्कत है लेने में. तो मेरा कोई दिमाग ख़राब हुआ यार. सो थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वन हैज़ टू चेंज विद टाइम. मेरी कोई शादी थोड़ी ना रखी थी उनके साथ. सो नाउ कमिंग टू सेंसर, मैं बीच बीच में आपको चीज़ें दिखाता हूँ सुंदर सुंदर, ताकि जो मैं कह रहा हूँ उसका तर्जुमा विजुअली कैसे होता है हम उस पर जाएँ. भाई प्रोजेक्शन ऑन है तो ये बत्ती गुल करने वाला कौन आदमी है? और एक सजेशन है, जब तक ये लाइट्स वाइट्स, वेयर इज द प्रोजेक्शन? चारा नहीं है तो पानी में कूदने से ही फायदा है. और तो नर्मदा मैया की कसम खाली और कूद गए. सरकार मारेगी तो सरकार और तारेगी तो सरकार. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने सोचा कि हमारे पास में और कोई हथियार नहीं है और हम कोई हथियार उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि सत्य और अहिंसा के आधार पर ही हमें अपनी बात कहनी पड़ेगी इस जनतंत्र में. हम पानी में कैसा बैठिया, ऊपर को भी पानी इतनी मुसलधार आई रही, ओले बांध का बरना लगाई दिया, एलंग से पूरा आई रही, तो हमारा तो नागड़ान में पानी चली रही हो. हम भी तो झान ली कही रही, जब यहाँ से फोन करा कि हम तो मर ही रहे, गांव पूरा पानी भरे को पूरा डूबी रहा, मरना के होना के लिए तैयार ही का. Let there be light. What we understand about managing light, what we understand about managing exposure, how to paint with light, उसके लिए कल हम लोग ने आँख के साथ कैमरे का एक पैरेलल ड्रॉ किया था. The optic system of the eye, the cornea, the retina, the optic nerve, the visual cortex and the brain, right? In similar fashion, what the camera does when the optics get the collimated rays striking it, the parallel collimated rays striking it and going through it and forming an image at the sensor or the film plane, depending on you working with celluloid or you working with the digital camera. These workshops are not meant just for photographers, not meant just for people who are going to use digital SLR cameras, mirrorless cameras. The principles are the same. If anybody is using any camera, principles are the same. आप जब वो collimated rays आपके sensor को छूती हैं, जाके image form करती हैं,
आपके सेंसर की जो क्षमता है, आपके सेंसर का जो रेजोल्यूशन है, और आपका सेंसर इमेज फॉर्मेशन के वक्त क्या करता है, अंदर उसकी क्या फिजिक्स है, क्या केमिस्ट्री है, वो आपकी इमेज की क्वालिटी के लिए बहुत बेसिक मानदंड है. व्हेन इट टेक्स द इमेज इनटू द प्रोसेसिंग, व्हाट आर द एल्गोरिथम्स दैट आर बीइंग अप्लाइड विल आल्सो डिटरमाइन हाउ प्रिस्टीन योर इमेज इज और इज नॉट. इट विल आल्सो डिटरमाइन whether the image is grading friendly or it is not. तो उस वक्त हम लोग को सेंसर की बेसिक क्षमता के बारे में थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी है. अब सेंसर्स दो तरह के होते हैं, नहीं वैसे तो बहुत तरह के होते हैं. आजकल जो हम लोग मोटे तौर पे इन कैमरों पे बात करते हैं तो दो तरह के सेंसर्स की बात कर रहे हैं. वन इज़ अ ओके सीसीडी सीमॉस, थोड़ा पुरानी बात हो गई. अब सीसीडी तो आपको कैमरों में मिलेगा ही नहीं. चार्ज कपल डिवाइस बहुत अच्छा सेंसर हुआ करता था लेकिन गर्म बहुत जल्दी हो जाता था, बैटरी बहुत पीता था, तो उन्होंने उसको कर दिया. उसका फ़ायदा ये था कि वो एक बार में चीज़ को रिकॉर्ड करता था, तो आप स्विश पैन भी करते हैं, विप पैन भी करते हैं, वो सब झेल जाता था. सीमॉस के साथ अनफॉर्चुनेटली इट रिफ्रेशेज लाइक दिस. And because it refreshes like this, it doesn't form the image in one instant. All the lines that are straight, vertical lines, when you start panning your camera, will appear skewed like this. Because मैंने इधर से pan करना शुरू किया तो मुझे राजीव दिखा, शैली दिखी. इधर pan किया तो सुधार जी बीच में दिख गए. इधर pan किया तो शुक्ला जी दिख गए. अब वो कैमरा जब तक मैं इधर से इधर आता हूँ तो वो राजीव और शैली को ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ गए. इधर आता हूँ तो वो ढूंढ रहा होता है सिद्धार्थ जी कहाँ गए, मेरे फिल्म डिवीजन वाले सारे मेरे दोस्त कहाँ गए. तो शुक्ला जी तक पहुँचता हूँ तो उसको लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है. बॉस ये सिनेमाटोग्राफर हमारे साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं. सो द सेंसर टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. यू आर यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी टू हार्नेस दैट टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली. आपके पास है तो सीमॉस सेंसर, लेकिन आप चलें एमटीवी का वीडियो बनाने, ऐसे भी घुमाएंगे ऐसे भी घुमाएंगे, नहीं होगा. आप मोटरसाइकिल पे लेके और ऐसे ऐसे डांस करते हुए जा रहे हैं, नहीं होगा यार. आप उसको सीधा सीधा तमीज से क्षतिजित्रे के अंदाज में, ऋत्विक कुमार घटक के अंदाज में यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा. आप स्टैटिक्स की ग्रामर में खेलिए, बहुत सुंदर काम करेगा. स्किन टोन्स की बात कीजिए, आप लाइटिंग ठीक कीजिए, बहुत अच्छी देगा. लो लाइट की बात कीजिए, बहुत अच्छा करेगा. लेकिन मूवमेंट आपको ज़रूरी है देना. जब आपका सेंसर कैपेबल नहीं है तो आप देते हैं तो वो अल्टीमेटली इमेज आपके नाम से ही फिल्म दिखाई जाएगी. लोग कहेंगे यार कुछ जैरिंग हो रहा है मेरे, तो दिल में ना दुख 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 हो रही है, मैं जो बाहर जाता हूँ ये फिल्म नहीं देख सकता मैं. बिकॉज द सिनेमेटोग्राफर और द डायरेक्टर डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टेक्नोलॉजी दे वर यूजिंग. अच्छा तो ये वो वाला प्रश्न नहीं था, सीमॉस और सीसीडी वाला. सेंसर के साइज़ की बात कर रहा हूँ. अभी दो मोटे मोटे साइज़ क्या क्या चल रहे हैं, APS एंड APC एंड द फुल फ्रेम. बिल्कुल. तो मोटे तौर पे फुल फ्रेम सेंसर क्या है? फुल फ्रेम सेंसर हमारा 24x36mm का वो जो फिल्म रोल हुआ करता था ना, स्प्रॉकेट्स, जो हम अपने कैमरे में एनालॉग कैमरे में डाल के 36 एक्सपोजर क्लिक 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 36 फोटो खींचने के बाद वो डेवलप करने देते थे, तो वो जो साइज़ था हमारे नेगेटिव का वो अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज़ है हमारे सेंसर का आजकल, इसको हम फुल फ्रेम सेंसर कहते हैं. अब फुल फ्रेम सेंसर के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. दूसरा सेंसर है उसको APS-C कहते हैं, वो 1.6 क्रॉप सेंसर है. और बहुत सारे सेंसर हैं, क्वार्टर मतलब माइक्रो फोर थर्ड सेंसर है, उसके बाद APS-C में भी APS-C है, APS-H भी है. नाइकॉन का अलग है, कैनन का अलग है, कुछ 1.4 क्रॉप देता है, कोई 1.3 क्रॉप देता है, कोई 1.6 क्रॉप देता है. मतलब मोटे तौर पे आपको समझाता हूँ, 100mm का आपने लेंस अगर लिया हुआ है हाथ में तो वो फुल फ्रेम सेंसर पे 100mm ही रहता है. लेकिन आप क्रॉप सेंसर लेते हैं तो उसका जो भी क्रॉप फैक्टर है
मान लीजिए 1.6 है APS-C में, तो ये लेंस 160 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, जो बर्ड्स और बीस शूट करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इंसानों के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा दुष्कर हो जाएगा। तो जो वाइड लेंसेज हैं वो भी ट्रूली वाइड नहीं बचते हैं, तो आपको या तो अल्ट्रा वाइड्स पे जाना पड़ेगा टू गेट द सेम काइंड ऑफ अ शॉट ऑन एन APS-C सेंसर, अदरवाइज को वर्क विद अ फुल फ्रेम सेंसर। दूसरा, क्योंकि सेंसर बड़ा है फुल फ्रेम, उसकी लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका रियल एस्टेट ज़्यादा है। आप सोचिए कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर इसके आधे साइज़ का हॉल दे दें तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो आपको इतना बड़ा रूम अगर मिलता है तो उसमें इतने लोग समा सकते हैं। आप अपने आप को सब फोटॉन्स ऑफ लाइट मान लीजिए अभी, और ये कुर्सियाँ जो हैं ये सेंसर के फोटोसाइट्स हैं। तो इतना बड़ा फुल फ्रेम सेंसर है, उसमें इतने फोटोसाइट्स थे, तो आप जैसे फोटॉन्स आके इसमें समा गए। सपोज फोटोसाइट्स कम हैं, सेंसर छोटा है, तो आप लोग तो हैं लेकिन मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ दरवान खड़ा हुआ है, वो कहेगा जी हो गया जी, फुल हो गया, बस जी, थैंक यू, अगली बार आना अगले साल। तो या संतुल कुमार के पास चले जाओ जी, वो तो बाहुबली हैं, यहाँ कहाँ गरीब लोगों के साथ फंस गए। तो दैट इज़ हाउ द रियल एस्टेट ऑफ अ सेंसर हेल्प्स यू गैदर मोर लाइट। देर इज़ अ स्मॉल caveat हेयर, देर आर सेंसर्स हु क्लेम अरे 40 megapixel। कैमरा आप खरीदने जाती हैं तो आप सबसे पहले क्या सोचती हैं, मुझे क्या करना है, कैसा कैमरा चाहिए। मैं अगर कहूँ कि एक कैमरा है 12 megapixel का, मैं कहूँ एक megapixel 40 वाला है, आपको कौन सा चाहिए, 40, आपको भी 40, और हमारी वीडियो जर्नलिस्ट लोगों को भी 40। सदा जी तनु की चाहिए 12, अरे वाह यार, छा गए। क्यों फाइल साइज, नो नॉट जस्ट द फाइल साइज ह्यूज इज अ स्टोरेज प्रॉब्लम, द बिगर प्रॉब्लम इज दैट सेंसर व्हाट साइज, तो वही है फुल फ्रेम का साइज तो सेम है, उसमें 40 मेगापिक्सल हैं कि उसमें 12 है। सर तुसी तो महाराज सेम रखता हूँ, लेकिन मैं कुर्सियाँ इससे कहूँ कि मैं अभी 100 हैं, मुझे 400 चाहिए जी, मैं अभी बाहुबली हूँ, मुझे 400 कुर्सियाँ चाहिए इस कमरे में, तो आप लोगों का क्या होने वाला है, यू विल बी स्क्वाश्ड, ठीक है, लाइक स्क्विड्स इन अ बॉटल। सो अनलेस वी आर स्क्विड्स इन अ बॉटल, वी नीड आर एल्बो स्पेसेस, वी नीड आर यू नो, कुछ थोड़ा बहुत हमें तमीज़ से बैठने के, हिलने डुलने का जगह चाहिए होती है। कुछ एरोप्लेन में जाते हैं तो टांगे फैलाने के लिए और पीछे कुर्सी करने के लिए जगह चाहिए होती है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फोटॉन्स, देर आर कमिंग एंड नॉकिंग एट द डोर ऑफ योर सेंसर, प्लीज़ लेट अस इन। तो वो आपके मेहमान जो फोटॉन्स आ रहे हैं, आप उनको कहें कि नहीं नहीं मेरे पास तो कुर्सियाँ कम है, स्टैंडिंग स्पेस दूंगा मैं, खड़े आप लंदन तक चले जाओ, मेरे हवाई जहाज़ में जगह नहीं है। तो बड़ी माड़ी गल है ना, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। आप उतने ही स्पेस में जहाँ 12 मेगापिक्सल अच्छी इमेज देता है, 40 मेगापिक्सल को ठूस दो तो वो इंटरपिक्सल पिच रिड्यूस हो जाता है। इंटरपिक्सल पिच जो आप समझा रहे थे वही चीज़ है, मैं उसका टेक्निकल तर्जुमा कर रहा हूँ, आपने उसको हिंदुस्तानी में समझाया। दो कुर्सियों के बीच में जगह है अभी, और मैं कहूँ कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, ऐसे कर देंगे, और मैं कहूँ कि नहीं 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 और कम है, ऐसे कर देंगे, और उसके बाद कोई और कहे कि मैं ऐसे कर दूंगा जी, तो कैसे चलेगा यार। मतलब जगह चाहिए इंसान को बैठने के लिए, जगह चाहिए फोटोन को भी अपना काम करने के लिए, उसका भी एक इज्जत दो यार, उसको मान दो थोड़ा बहुत, वो ही आके आपकी इमेज को चार चांद लगाने वाला है। आपने उतनी कम जगह में ठूस ठूस के 40 मेगापिक्सल डाल दिया, तो लो लाइट सेंसिटिविटी आपकी जो है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ द फोटोसाइट विल बी वेरी बैडली रिड्यूस्ड।
So your 40 megapixel camera is going to give shitty images. And my 12 megapixel camera is going to shine. Films Division has taken some very good cameras recently, so that's why he knows why 12 megapixels is important. वीडियो में हाई डेफिनेशन वीडियो में क्या फ्रेम साइज होता है? और जोर से बोलो यार. गुड. 16 कहां से आ गया बीच में? ओके. यहां हाउ मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल? 1, 2, 3. बट द काइंड ऑफ हिंदी आई एम स्पीकिंग दैट यू फॉलो बिकॉज आई फाइंड यू स्माइलिंग ऑल द टाइम. No, can you follow? 50-50, no. 50 English, 50 Hindi. Okay, I'm happy 50-50 also. But वो जो रस है अपनी मातृभाषा में, जो मज़ा है, जो उसके उर्दू हिंदी. नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है. ऐसा है क्या? Yeah, some words are bouncing. Okay. Okay. ठीक है, तो ठीक है, मैं उसको मिक्स करके बताता हूँ. बॉम्बे वाली चलेगी? ठीक है. लिख लो. सो दिस 1920x1080 इज लेस देन 2K. 2K इज 2048x1080. सो 2K एक्चुअली नीड्स 2 megapixels. हम 12 की बात कर रहे हैं, 40 की बात कर रहे हैं. आपको हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए एक्चुअली 2 megapixel से भी काम चलता है. और ये जो सुंदर सुंदर कैमरे, जितनी तारीफ होती थी, मेरे पास जैसे 5D Mark II था, बहुत तारीफ थी, बहुत अच्छा काम करता है, अभी भी करता है, कोई शक की बात नहीं. लेकिन वो करता कैसे मैनेज? 21 megapixel का कैमरा है, दो ही चाहिए उसको. क्या करेगा, क्या करेगा शुक्ला जी, क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा. जब भर गया मामला, जरूरत नहीं है, तो दरबान को कहेंगे ना, रिजेक्ट करो. तो इट एलिमिनेट्स अ लॉट ऑफ डेटा, इट रिजेक्ट्स अ लॉट ऑफ डेटा, स्किप्स लाइंस, बिन्स पिक्सल्स. व्हाट डू यू मीन बाय बिनिंग पिक्सल्स? सपोज देर आर दीज 9 पीपल सिटिंग हियर, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क ऑन इंडिविजुअल कलर्स, स्किन्स एंड एवरीथिंग, इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ दीज फोटॉन्स, बट आई एम गोइंग टू बिन 9 pixels and take a mean, take an average. So that is binning, the process of binning. Then you've got a lot of horizontal lines. You keep skipping the data from every alternate line, suppose. So that is skipping of lines. So even in a progressive image capture, you have jaggies happening because of the line skipping process. अब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो जिसको नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करो. ओके. अब जिसको समझ में आया है वो हाथ खड़ा करो. अब आप इनको समझाओ. नहीं, कौन समझाएगा? तुम समझाओ यार, माइक देता हूं तुमको. मिलियन पिक्सल्स ऑन योर फुल फ्रेम सेंसर, राइट? And it has to be downsized to only 2 million. So 90% of that has to be thrown away. So you have all these horizontal lines, what your sensor, or actually what your processor I think does. It eliminates maybe every alternate line, or it, depending on the algorithm, it will skip a few lines. Now what is happening is, if suppose there is a diagonal line, and you are skipping, I mean a diagonal line that is being shot through your sensor, and you are skipping a few lines in the sensor, right? What you'll see is, you'll see a line like this, then a horizontal line, then another diagonal, a little horizontal. Because all these lines which are being skipped, they'll form gaps. And because of that, sometimes the image looks a little jaggery, like, as you were saying. So that's a little bit of a drawback in digital, but you have to shoot accordingly to kind of compensate for that. Good. Badhiya. I mean, editing sometimes, you know, it takes care of that. Man-made patterns generally तंग करेंगे, natural patterns तंग नहीं करते हैं. बड़ी अजीब सी बात है. Nature में there is asymmetry, and man is obsessed with symmetry. Man is obsessed with control. So
fine lines create a lot of issues with movement in that kind of a camera technology. But one way is to avoid this. मैंने नीतीश कुमार के तीन बार कुर्ते बदलवा दिए थे लॉन्ग टाइम अगो. सो बट यू कैन नॉट ऑलवेज डू दैट. अ बेटर ऑप्शन इज टू गो विद द टेक्नोलॉजी विच डज नॉट स्किप लाइंस विच डज नॉट बिन पिक्सल्स. वेरी सिंपल. सो ये अब आप गूगल करना वॉट वो विच इज द टेक्नोलॉजी विच डज नॉट स्किप लाइंस एंड डज नॉट बिन पिक्सल्स. ठीक है. वेन वी आर कमिंग टू मेगा पिक्सल्स बैक, द डिबेट अबाउट मेगापिक्सल्स. सो इफ यू आर हैप्पी विथ टू टू डू हाई डेफिनेशन वीडियो एंड नाउ वी हैव 4K एंड नाउ वी हैव 6K 8K ऑल्सो नॉकिंग एट द डोर्स, बट देर आर कैमराज विच आर नॉट बिनिंग पिक्सल्स एंड स्टिल गिविंग यू अ फुल सेंसर रीड आउट. सो देर एडवांस्ड एल्गोरिदम्स इंश्योर दैट दे विल नॉट इंड्यूस जैगीज unlike some other technologies. So those cameras with 12 megapixels have a full sensor readout. The camera is called Alpha 7S and the Alpha 7S Mark II in my hand. Sarale. Dusra important cheez, ye duniya ka sabse zyada light sensitive technology hai. I don't know how they manage it. Main light sensitivity pe baad mein aunga. Abhi मेगापिक्सल्स का हम लोग ने रिजॉल्व कर लिया कि 40 वाला लेंगे कि 12 वाला लेंगे. सॉर्टेड. एनीबडी एल्स हु हैज एनी डाउट अबाउट द मेगापिक्सल थिंग एंड द फोटो साइट्स. ओके कविता जी अभी रेडी. हाँ लाइट्स. अब दुकान जई बेगर दे डोडा आली जान खेरा लो आली जर का मनगा दो बादीला ए गोरी बंदे ने कीरा लई आली जा मारो गोरे बंदे ने कीरा लई इदियो नैन करो आली जर कामन घरो इदियो लड़नी महाजू माजियो रे गोरी बन्नी मारो नकीरा लोई. The next one also Kavita, side by side. Thank you.
okay, shutter speed number 2 and ISO. So with exposure, what is the side effect of exposure? Noise again. Long exposure. Aperture. Aperture, things can get defocused or... Okay, depth of field. Anybody here who doesn't understand depth of field? Yes. So who will explain depth of field to them? Inko bolte hain. Is baar mein jag jayenge. Achha, koi baat nahi. Nearest and farthest. Nearest and farthest. Nearest and farthest what? Are we framing the subject? Okay. What is field? Whatever is in front of my camera, which is my field. Now, the depth is calculated. Suppose you have Aishwarya Rai in front of you, focusing on her eyes, right? But there is some beautiful light here in front, and there is Taj Mahal in the rear. So the depth would be, while she is in focus, what are the other region, what is the region which is in acceptable focus? What is the circle of confusion? Is it large or is it small? Is it a very sliver thin depth that we are talking about, which is called shallow focus? Or we have deep focus, that I can see Gautam and I can still see Rajiv Mudgal sitting there in the same shot with acceptable focus, where I'm focusing here but I can see everybody, even the sound console, properly, like this. So that is deep focus. And with these smaller cameras, especially with the full frame cameras, all of us are sort of sometimes too taken in by the shallow depth, shallow depth, shallow depth. Pagalpan hai. Kam use karo. Kal maine bola tha, pani mein namak ki tarah, matlab tarkari mein namak ki tarah. Agar tarkari mein sirf namak hi namak hoga to gadbad jayega. So, हाथ रोक के यूज़ करना है. शैलो डेप्थ के शॉट्स आपकी पूरी फिल्म में 5% हैं, उससे ज़्यादा नहीं है. कभी कभी 1-2% हैं, उतना भी बहुत है. आर ब्रेन डज नॉट परसीव द इमेजेस इन सच अ शैलो डेप्थ. सो अनलेस यू रियली वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट बाय चूजिंग टू डू समथिंग लाइक दैट, इट्स आइदर योर सब्जेक्ट डिमांड समथिंग लाइक दैट और योर विजुअल ट्रीटमेंट फॉर सम रीजन. जी 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 सर, जो हम शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव करते हैं, जी, एक तो हम ब्लॉक लेंस पे करते हैं, हम 50 के ब्लॉक पे, और दूसरा हम टैली का यूज करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? कोई लाइट का जरूर प्रॉब्लम होता है, भी लाइट टैली थोड़ा ज्यादा डिमांड करता है, लेकिन बैकड्रॉप में कोई फर्क रहता है या फिर हमारा? ओके, ये बड़ा सरल प्रश्न है. इसमें आपका जो 50 का ब्लॉक लेंस है उसको क्या कहते हैं? नहीं, नॉर्मल. क्यों कहते हैं उसको नॉर्मल? ओके, तो 50 से नीचे वाले को क्या कहेंगे? वाइड. और ऊपर वालों को क्या कहेंगे? टेली. तो पर्सपेक्टिव को कैसे वो चेंज करते हैं, जैसे आप लेंथ चेंज करते हैं, फोकल लेंथ, और पर्सपेक्टिव को वाइड में थोड़ा ऐसे हो जाता है और टेली में थोड़ा स्क्वाश हो जाता है. तो अगर आप टेलीफोटो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ 50 mm, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लाइट कॉम्पनसेशन, बिकॉज 50 इज गोइंग टू बी अ फास्ट लेंस, बट द पर्सपेक्टिव विल बी स्क्वाश्ड स्लाइटली, कंडेंस्ड, कंप्रेस्ड. तो समटाइम्स टू कंप्रेस एरिया वेयर यू कैन यूज अ 50 mm, you sometimes go in for a 100 or a 200 to compress. Depth of scene. Depth तो है, depth का खेल तो दोनों में है, लेकिन उसके अलावा perspective का compression भी है. तो that is also something which interfaces. Here we are. Okay, to demonstrate what Nandan's just told you and also to kind Hello, of shanti rakho yaar. Wind up the session related to cinematography and the basics of photography, I would like to show you a trailer of a film, Candles in the Wind.
to you in last 2 days, in the exposure, in the short composition. And what more you'll get here is that when you tell stories of real people, how do you layer your stories? Not just visually how you layer them, how do you layer them editorials? What kind of a lens do you give to your subjects? When do you use a low angle shot? And many more things that you would see in this trailer that I'm going to show to you now. To very briefly introduce the film, because this is just a trailer. The film... Sound nahi aa raha bhaiya. Wrong. ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 6-7 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਉ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਗੁੜੀਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਰੋਟੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਾਲੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਫਸਲ ਨਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਿੱਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਸੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਿੱਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਜੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਵਕਤ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਕਤ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਕ ਬੇਦੀ ਗੱਡ ਕੇ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਦੀਸ ਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਕੋਪ ਆਫ ਅ ਰੀਟੇਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਨੋ ਯੋਰ ਟੂਲਸ You have to know how your camera will work. And the man or the woman behind the camera is always more important. So for this, just briefly, I want to tell you some more things about this film. Like the way we started, it gives you instantly a setting. We are in an agrarian country. This is Punjab. And after that, when we come to Shinder, We start with her shadow because Shinder is actually a pale shadow of what she was when her husband was alive. When her husband committed suicide, as she tells us, her elder child was 4 years and younger was just 2 years. So, and the layering that we did with the makdi in the jal, the spider in the web, that is what the real situation is. But when we came to Karamjeet, we chose to give her a low angle. Because she is very vocal and she wanted to talk a lot and that immediacy in her eyes, I could only get that if I gave her a low angle, slightly low angle. This is how I dealt with her. So a lot of decisions and not everything is done in when the film is edited. Even when you are shooting, you have to be aware of the camera you are using, the capability of your camera, what you are going to do with the footage. Be alive to all opportunities. And the same also happens when you are doing a feature. It's about storytelling ultimately, where you want to tell your stories. Who are your audience? Where do you want to take your film? How creative can you be? And being a woman cinematographer, I'm very happy to work on these cameras now
which are so light sensitive. We are working in Vrindavan's ashrams right now where the widows stay. And I just coolly go in with just a camera in my hand. I just have the world's best light sensitive camera, a Sony Alpha 7S in my hand, and I can just walk in. I never take any lights with me. I just choose to make them sit near a window or even try to work in the light lamps, the yellow or the dim lights that they have. You have to grade in any way. But then why should I intimidate my audience, my subject, who might be a frail 80-year-old woman? So these cameras now have opened many vistas for us filmmakers, and I think we should all use them creatively. Thank you. To the end of the second day session, tomorrow 3 to 6 we have the last session, in which primarily we shall talk about whatever images we have created with our understanding of light and our how to paint with light. उसको ग्रेड कैसे करना है, उसको एडिट क्या करेंगे, एडिट का पाइपलाइन क्या होगा, ग्रेडिंग का पाइपलाइन क्या होगा, थिंग्स लाइक दैट. सम मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोडेक्स, सम मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर स्पेसेस एंड प्रैक्टिकल टिप्स अबाउट हाउ टू मेक थिंग्स वर्क बेटर इवन इफ यू आर यूजिंग अ स्मॉल आईफोन कैमरा और द वर्ल्ड्स बेस्ट लो लाइट सेंसिटिव कैमरा व्हाटएवर और अ बिग रेड और एलेक्सा एनीथिंग. The color science shashwat hai. Jaise navras shashwat hain. Aap natya shastra se lekar abhi tak cinema ka kitne charan aaye gaye lekin wo jo navras hain wahi hain. Hamari koshish kahani kehne waqt kathanak kathavastu ki un rason ko samitne ki to koshish hai. Usi tarah se jo रोशनी है, रोशनी के जो सात रंग हैं और इन उस कलर साइंस को कैसे इन कैमरों ने तर्जुमा किया, कैसे उसका ट्रांसलेट किया है, वो भी शाश्वत है. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स वर्क विद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. समीकरण थोड़े बदलेंगे लेकिन साइंस वही है.